बच्चे भी स्कूल को जाने लग गए हैं खुशी खुशी। पहाड़ों में सुबह जितनी सुहानी होती है जोश भी उतना ही रूहानी होता है। तो ये देखिए, हेलो, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुस्वागत, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, नए चैप्टर में। आज हो चुकी है गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं निकल चुका हूँ आपसे करते हुए बात। देख रहे हैं मौसम सुहाना है, इतने दिन की बरसात के बाद आज धूप आई है, बहुत ही खिलखिलाता चमचमाता मौसम है। तो आज मैं आपको साथ में ले चलता हूँ, देखते हैं आज नया क्या देखते हैं, क्योंकि आगे क्या होना है किसी को नहीं पता है। तो मैं भी ये देखने आता हूँ कि आगे क्या होना है, तो साथ में जुड़े रहिए। यो पहाड़ी, आज मैं दिखाता हूँ अपने शॉर्टकट्स। पहाड़ों में बेसिकली क्या होता है, कहीं भी जल्दी पहुँचने के लिए सब ने एक शॉर्टकट सेट किया होता है। ये देखिए मेरा शॉर्टकट, रोड को छोड़कर मैं रोड की साइड से जा रहा हूँ, इस तरीके के शॉर्टकट्स। अरे डर गया। ये हैं पहाड़ के शॉर्टकट्स, जरूरी होते हैं, टाइम बचाते हैं और इजी होता है। इस वजह से यहाँ पर आपकी स्पीड, अभी सीढ़ियाँ हैं या इसको एक्सरसाइज माने या कुछ माने। ये देखिए सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है, बाहर से आप सब व्यू पॉइंट देखने आते हैं, हम लोग यहाँ सुबह से शाम तक व्यू पॉइंट ही देखते रहते हैं। ये पेड़ किसने काटा होगा, आई थिंक ये पहले ही कट गया है शायद, या तो किसी के घर पे गिरा हुआ होगा ये, फिर उसके बाद फॉरेस्ट ने इसको कटवा दिया होगा। बेसिकली अगर पहाड़ में किसी के घर के ऊपर या रोड पे कोई पेड़ गिर जाए तो, क्योंकि वो फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी होता है तो फॉरेस्ट उसे संभालता है, तो आपको लीगली परमिशन या ये सब लेनी होती है, उस पर आपको कोई स्वामित्व नहीं होता है। फर्स्ट यू इन्फॉर्म टू फॉरेस्ट कि भैया ऐसी सी बात हुई है। ये देखिए हम शॉर्टकट से आ रहे हैं, यहाँ बस केवल बाइक से आ पाती है और या फिर आप पैदल। ये देखिए शॉर्टकट करते करते हम बिल्कुल एक मेन वे से मिल जाएंगे। पहाड़ में एक बढ़िया सी चीज़ है, आप कोई भी शॉर्टकट ले लो। हेलो, ये मुझे घूर रहा था, इससे पहले मैंने कहा इसको दिखा देता हूँ, फेम में आएगा तो ज़रा शांत हो जाएगा। तो पहाड़ में बेसिकली एक चीज़ ये है कि जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो कहीं ना कहीं मेन वे में मिलते हैं, यानी सारी नदियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं समुद्र में मिलती हैं, वैसे ये सारे जो रास्ते हैं छोटे छोटे रास्ते ये मेन रास्ते मिलते हैं। तो इसलिए कभी भी आप आए कोई छोटा रास्ता ले लिया है आप कन्फ्यूज हो जाए, पहाड़ी लोग तो इतने खास होते हैं, दिल के साफ होते हैं कि आप उनसे कहेंगे तो गर्दा के छोड़ाएंगे, तो घबराने की बात नहीं। छोटे रास्ते लें बट ऐसे लें जो सेफ़ हो और आपको वो समुद्र में मिलाएंगे, यानी मेन रास्ते में मिलेंगे। तो चलिए, जय हो चीना बाबा महाराज। अभी मैं मेन रास्ते से मिल गया। ये देखिए ये पूरा जो मेन ट्रांसपोर्ट का है, ये रास्ता आपका काला डूंगी और दिल्ली को जाता है। ये जो चीना बाबा महाराज जिनको हमने प्रणाम किया, ये जो एक एरिया है ये ऊपर आप देख रहे हैं टॉप पे, ये चाइना पीक है ये, और यहाँ जो है नीचे चीना बाबा जी का मंदिर। कहा जाता है कि चीना बाबा जी जो हैं वो इस पूरे संपूर्ण एक बड़ा सा एरिया है इसकी रक्षा करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और देखिए नैनीताल में खास बात है, देखिए सफाई के लिए बिल्कुल हमेशा तत्पर रहते हैं, यहाँ की नगर पालिका बहुत अच्छा काम करती है और यहाँ के जितने कर्मचारी सुबह सुबह, अभी तो ये मेरे ख्याल से इनका एंडिंग पोर्शन चल रहा है, आप देखिए पूरी रोड किस तरीके से क्लीन है, अभी इनका लास्ट पोर्शन चल रहा है, वरना मान लीजिए आप मॉर्निंग 4:35 o'clock ही आ जाते हैं। ये हमारा है हाई कोर्ट उत्तराखंड का न्यायालय, ठीक है, आपको न्याय चाहिए तो यहाँ आइए, और वर्शिप में चाहिए हमारे गोलजी महाराज हैं, तो जुड़े रहिए, यो पहाड़ी, चलाते रहिए अपनी गाड़ी। ये है हाई कोर्ट का कंपनी गार्डन, कंपनी गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, पहले तो यहाँ सबकी एंट्री आउट थी, अब बहुत सालों से एंट्री बैन कर दी है। अरे लोग भी तो बहुत दुष्ट होते हैं, गार्डन की ऐसी फिरती थी। आपको कभी आना है यहाँ, फूलों के सीज़न में आइए, तब देखिएगा कि कितने खूबसूरत फूल होते हैं, बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखते हैं इसको। ये देखिए पहाड़ों के नीचे स्वर्ग है स्वर्ग, ये देखिए हाईकोर्ट क्या खूबसूरत जगह है और कितना
अच्छी जगह पे बसा हुआ है। अभी अभी कह रहे हैं कि इसको शिफ्ट करने की बात चल रही है, तो उस पर भी एक हम वीडियो बनाएंगे। आज का सफ़र यहीं तक, ये रोड जाती है दिल्ली काला डूंगी। तो कभी आपको सफ़र करना हो तो टाइमली आएँ, क्योंकि लिमिटेड बसेस मिलती हैं यहाँ पर। तो ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। यो पहाड़ी, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। तो ये थी आज की दिन की शुरुआत और मेरी प्रैक्टिस भी। अगर मैं डेली ब्लॉग्स करूँ, जैसे मुझे कई लोगों ने सजेशन दिया, मेरे फ्रेंड्स ने दिया है, विशु ने भी दिया था और कई मेरे सीनियर्स हैं दोस्त, मेरा डेली ब्लॉग करने के आ रहा है। मैं ये जैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला वीडियो डाला है। आई नो इसमें कुछ है नहीं, बट यह है कि ये मुझे प्रैक्टिस के लिए और आपके सपोर्ट के लिए, जो आपका सपोर्ट दिखा रहा है मुझे, ये उसके लिए है कि मैं हाँ इस पर लग चुका हूँ। और इसी के साथ जैसे मैंने एंटर किया, लास्ट में मुझे दिखा कुकिंग का पोर्शन, तो यहाँ शेफ़ कुछ बना रहे थे, तो मैंने सोचा उनकी कुछ डिशेज भी आपको जल्दी दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए साथ में यो पहाड़ी।